यहाँ पे एक गड्डी गई है नीचे में, ऊपर में चढ़ रही थी गाड़ी लेकिन बर्फ़ की वजह से स्लिप कर गई। स्लिप करके नीचे दिखाता हूँ, दोनों मर गए वहाँ पे है, बहुत नीचे, बाप रे बाप। फाइनली लिफ्ट मिल चुका है ये ट्रक में, ये कारू तक जाएंगे तो ठीक है, कोई ना कारू तक ही जाएंगे, कारू तक ही निकल जाएंगे ठीक है, वहाँ से फिर आगे देखा जाएगा क्या है नहीं है ठीक है। अपनी खुशी वहाँ पे लाके फटाक से बांधता हूँ, तो फाइनली बांध दिया हूँ अपने खुशी को अच्छे से, देख रहे ना इधर भी बांध दिया हूँ ऐसे करके मस्त। और मैं इस ट्रिप का दूसरा लिफ्ट लिया हूँ, पहले तो कैंपर मिला था, शायद कैंपर बोलता है उसको, और अभी ये ट्रक मिला है तो उसमें बांध दिया हूँ मस्त। और देखता हूँ भैया से रिक्वेस्ट करूँगा, भैया थोड़ा सा आगे बैठा लीजिए ना, आगे में बैठ के जो व्यू आता है ना, ओह क्या ही बताऊँ, आगे में बैठ करके मज़ा आता है। देखते नहीं है अगर कहीं पर मैंने चार चक्का में घूमने जाना है तो आगे की सीट के लिए बहुत लड़ाई होती रहती है, तो सेम वही लड़ाई करने वाला हूँ। अभी खाना खाने गया है, जहाँ पे रुके हुए थे ना जिस होटल पे, उसी पे खाना खाने गया है भैया, तो आते हैं फिर भैया को बोलेंगे भैया वो सीट है ना वो आगे वाला सीट उस पर बैठा लीजिए ना ठीक है। देखते हैं, मस्त मान के पहले तो मना कर रहे थे, फिर थोड़ा सा इमोशनल होकर बताए ना भैया 50 दिन से साइकिलिंग कर रहे हैं, बोला ठीक है भैया लेते आओ गर्मी लग रही है लेकिन जब चलने लगेगी गाड़ी तो ठंडी लगेगी, क्योंकि बर्फ़ है ना इधर देखिए, ये सब पूरा नया बर्फ़ है भाई, पूरा नया बर्फ़ है ये सब, देखिए ना देखिए भाई साहब। और शायद मुझे श्रीनगर होते हुए भी वापस जाना पड़ेगा, वो इसलिए क्योंकि हिमाचल प्रदेश का हालत ख़राब हो चुका है, अभी रास्ता एकदम टूट फूट चुका है, तो उधर से जाना सही नहीं होगा, बस इधर से ही जाना मतलब सेफ होगा, इधर से जाना निकल मतलब जल्दी निकल जाना है मुझे यहाँ से पहाड़ों से ठीक है, जल्दी दोबारा इसी रिटर्निंग रास्ता में एकदम बोर नहीं हो जाएंगे है ना, आप सभी बोर हो जाएंगे, इसलिए ये रास्ता में अपनाया जो लिफ्ट लेते हुए निकलेंगे तो थोड़ा सा आप सभी को भी मज़ा आएगा है ना। और अभी साइकिलिंग करते हुए जाएंगे तो देखे हुए चीज़ को मैं दिखाना पड़ेगा मुझे है ना, वही रास्ते से आया हूँ वही रास्ते से जा रहा हूँ फिर मज़ा नहीं आएगा, इसलिए सोचे थोड़ा सा यूनिक करना है। साइकिल से तो आ गए, जो करना था वो कर लिए, कंप्लीट कर लिए अपना डेस्टिनेशन सारा कुछ, अब थोड़ा सा यूनिक करना है तो लिफ्ट लेते हुए निकलना है घर ठीक है। तो भाई साहब फाइनली गाड़ी में बैठ गए हैं और ये भैया जिन्होंने लिफ्ट दिया थैंक यू सो मच भैया और एक भैया इधर भी है अलग कर दीजिए इन्होंने लिफ्ट दे दिए हैं और बांध दिया अच्छे से पीछे में साइकिल अपने, और निकल रहे हैं यहाँ से, भैया सब कारू तक जाएंगे ठीक है, कम से कम पहाड़ तो निकल जाएंगे ना इधर से ठीक है, कोई ना निकलते यहाँ से। और इस ट्रक में एक अंकल थे, वो इतने अच्छे थे, इतना मजाक कर रहे थे, मैंने क्या बताऊँ, ऐसा ऐसा पागल कर रहे थे ठीक है चलिए। तो भाई साहब अभी यहाँ पे उतरे थोड़ी देर के लिए ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी भैया चाय वगैरह पियेंगे, मैं तब तक इधर घूमता हूँ। ओ भाई मज़ा आ रहा है यार, अब सोच रहा हूँ यार हिचकिंग करने का सोच रहा हूँ, अब प्लान चेंज कर रहा हूँ, अब बीच बीच में हिचकिंग भी करूँगा ठीक है ना। एक ट्रक है अपनी अपनी नहीं जिसमें हम लोग जा रहे हैं भाई, अच्छा भैया बुला रहे हैं आगे जिसमें बैठने चलेगा। अरे भाई साहब मस्त, वो बहुत ठंडी हवा है और नीचे में बर्फ देखिए। तो भाई साहब हो गया अब बैठते हैं। निकलते यहाँ से, मजा आ रही है सर। देखिए किस जगह पे चल रहा हूँ, अभी नीचे पूरा खाई है। ओह भाई साहब अभी, और ये नया रोड बन रहा है, कई मतलब सीमेंट का जो ईंट बना हुआ है ना वही ईंट यहाँ पे उपयोग किया जा रहा है इस रोड में। और ये देखिए साइड में पूरा नया नया स्नोफॉल हुआ है, नया नया बर्फ है और इस साइड खाई,
बड़ा डेंजरस रोड है नहीं भैया? हाँ जी, बड़ा डेंजर, बहुत संभल के चलना पड़ता है। एक दो दिन तो रोड बंद था ये। हाँ, तो जब मैं रूडबुक में दो दिन रुका, हाँ, दोनों दिन रोड बंद था ये वाला। हाँ, क्योंकि कोई गाड़ी ना आ रही थी ना जा रही थी। हाँ, उसी दिन हुआ था ना जो एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा, आगे में, आगे में एक्सीडेंट हुआ है। हाँ, अच्छा, कोई एक्सीडेंट भी वहाँ पे गाड़ी, चलिए दिखाते हैं। ये पूरा चट्टान है, ये सब नया बर्फ है, पूरा पूरा नया बर्फ है, पूरा ग्लेशियर। अरे बाप रे, पूरा तब क्या था? अरे भाई साहब, पूरा ढक चुका है बर्फ से, देख रहे ना। अभी एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ पे जो एक्सीडेंट हुई थी ना कार, वो तो बहुत नीचे है। कब कब हुई थी भैया एक्सीडेंट? परसों हुआ था। परसों हुई थी ना। यहाँ पे एक गड्डी गई है नीचे में, ऊपर में, ऊपर में चढ़ रही थी गाड़ी, लेकिन बर्फ की वजह से स्लिप कर गई, स्लिप करके नीचे। दिखाता हूँ, बहुत छोटी सी दिख रही है भाई साहब। दो जन थे, दोनों का मर्डर हो गया, दोनों मर गए। वहाँ पे है बहुत नीचे, बाप रे बाप, समझ में भी नहीं आ रहा है। पिकअप था ना, वो पिकअप ही था। हाँ, पिकअप ही था। ओ भाई, वहाँ पे है, दोनों जन का मौत हो गया। ए भाई, ओ भाई, देखा ना बर्फ नहीं गाड़ी बचा सकता। हां दा चेता चले जा, अन्ना टूक रहा था उसको, जोर का खत दुख, बस ग्लेशियर ही ग्लेशियर है इधर। हाँ, हर जगह पे ताजा पानी, ताजा पानी। सही बोले, ताजा पानी, अपनी खुशी इसमें है, देखो ना बस। ओ हो, गाड़ी का तो पूजा बन गया है। कैंपर था पूरा, छोटा सा बन गया, इतना बड़ा बन गया है। चिमनी से जब आए थे ना, तो मैंने पहला स्टॉपेज यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे, यहीं पे हमारे, मतलब अपने डिस्ट्रिक्ट के आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट है ना, जैसे पूर्णिया, इनके भैया सब यहीं पे मिले थे, फॉरवेजगंज के भैया सब, उन्हीं के साथ में रुके हुए थे। यहाँ पे कैंप वगैरह है, उन्हीं के साथ में रुके हुए थे रात को, और फिर यहाँ से चढ़ाई की थी सुबह में। यह है जिंगरल का आर्मी कैंप, और यहीं से मुझे पराठा मिला था, दो तीन पराठा, और ये पराठा लेकर के मैं वहाँ पे गया था। वहाँ पे कैंपिंग वगैरह है, टेंट वगैरह है, जो कि अपने पूर्णिया फॉरवेजगंज के भाई सब थे जो मिले हुए थे, उनके पास में गए थे। यही है वो आर्मी कैंप, देख रहे ना जिंगरल का, और वहाँ पे लिखा हुआ भी है जिंगरल। ऐसे करके इधर से गए थे, ऐसे करके वहाँ पे गए, और वहाँ पे बहुत सारी गाय थी, लेकर के चली गई झोला पराठा वाला। लेकिन रोड बहुत खराब है, बहुत रोड खराब है। लेकिन अभी ये तकरीबन 20 किलोमीटर तक रोड खराब मिलेगा। हाँ, 20 किलोमीटर तक है आगे। हालत जो खराब हुई थी ना उस रोज, मुझे मैंने चल एक किलोमीटर चलने का मन नहीं कर रहा था, मुझे इतना हालत खराब हो रखा था मुझे। तो भाई साहब, अभी शाम का 6:10 हो रहा है, और अभी हम सब शक्ति गाँव में पहुँचने वाले हैं, और ये रोड सब जो देख करके ना भाई साहब, याद आ रही है किस हालत में चल रहे थे ऊपर हम। ओहो, याद आ रही है, याद आ रही है भाई। कोई ना, ठीक है, अभी हम सब चमड़े में पहुंच गए हैं, और यहाँ से कारू कितना दूर होगा? 3-4 किलोमीटर के आसपास में है कारू, तो वहीं तक भैया रहेंगे, और वहाँ के बाद में देखना है कहाँ निकल रहे हैं अपन को, उसके बाद में देखते हैं कौन सी गाड़ी मिलती है, या फिर वहीं पर स्टे करते हैं, देखते हैं जगह अच्छा मिलेगा तो आज रुक जाएगा वहीं पर क्या भैया। मस्त लग रहा है भाई, आप बीच बीच में ना शरगम शरगर के ही जैगिंग करेंगे। लेकिन भैया ऐसे ऐसे भैया मिलना चाहिए लिफ्ट देने के लिए, तभी तो मज़ा आएगा, है ना क्या भैया। तो फाइनली कारू पहुंच गए हैं, देखो ना, ये है कारू सिटी, बहुत ही मस्त जगह है कारू सिटी भी। तो भाई साहब, आखिर वो समय आ चुका है भैया को अलविदा कहने का, ये भैया भी साथ में आए हैं। अच्छा लगा आप सबके साथ में, अब बांटते अपने खुशी को,
और जगह देखते हैं रुकने का, बैठने का है इधर। हाँ गेस्ट हाउस इधर बहुत मिलेगा आपको, देखते हैं कैसे क्या है नहीं है। और अबे आसपास में कैंपिंग करने का जगह है नदी किनारे वगैरह? हाँ पीछे कर सकते हैं ना। हाँ, देखते हैं। पारी आ गया है अपने खुशी उतारने का, तो उतार लेते हैं। ये ढलवा खोलते हैं, ढला ढला ढला, धक्का मारना एक हाथ से। चढ़ते ऊपर आराम से उतारते हैं। ठीक तो हो ना खुशी, ठीक हो ना? कोई ना खोलते हैं, अभी बहुत देर से बांध के रखा था तुमको। ठीक है ठीक है, कोई ना। ठीक हो गया, थैंक यू भैया, अच्छा लगा मिलके। आराम से जाना। ठीक है, थैंक यू सो मच, अभी निकलते हैं यहाँ से। तो अभी रात के 9:55 हो रहा है और इधर अपना चूल्हा तैयार है, इधर बर्तन तैयार है, इधर पास्ता तैयार है, देख रहे ना, इधर मैगी तैयार है, इधर दो बोतल में पानी तैयार है, इधर मैं तैयार हूँ बनाने के लिए। ठीक है, आज मैगी पास्ता चलेगा एकदम मस्त कड़क से, और क्या ही बताऊँ, इतना मज़ा आ रहा है ना, कंप्लीट हो गया, इतना खुशी मिल रही है ना, मतलब क्या बताऊँ। जो सोच करके निकला था जो पूरा होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये सोच के निकला था जो पूरा करके ही आऊँगा, तो फाइनली पूरा हो गया। और क्या ही बताऊँ भाई साहब, इस ट्रिप में पाँच टॉप मतलब पार किया हूँ भाई साहब, सबसे हाईएस्ट टॉप था खरदुंगला का। फिलहाल अभी मैगी बना दो क्योंकि बहुत ज़ोर से भूख लगी है भाई कसम से, तो आज मन किया बनाने का, देख रहे ना, तो जल्दी से बनाते हैं फिर खाते हैं फिर आराम से सोते हैं ब्लॉग वगैरह। तो देख रहे ना, इसमें मैगी और पास्ता फुदफुदा रहा है, जल्दी फुदफुदाना बंद होगा इसका। जल्दी बन जाए भाई, भूख लगा है। एक चीज़ पता है, नमक तो मेरे पास में है ही नहीं, तो क्या क्या हूँ, मैगी था एक्स्ट्रा मेरे पास में, तो मैगी का मसाला जो है ना एक्स्ट्रा निकाल लिया हूँ, बस वही डाल देंगे, बस काम हो गया, बस स्मार्टली वर्क करना है ना। बस उसके बाद मैं ये डालूंगा और फिर मिला मिला के खा जाऊंगा, कच्चा बच्चा रहे जैसा भी रहे। लाइफ में तो कभी बनाया नहीं हूँ कुछ भी खाना वाना, लेकिन एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छा से आता है, वो है रोटी बनाना, जो कि मामी ने सिखाई है, मस्त रोटी बना लेता हूँ मैं। तो आखिरकार अपना मैगी और पास्ता बन के तैयार हो चुका है, करने देता हूँ थोड़ी देर, 5 मिनट और। बोलता तो है बस 2 मिनट में मैगी बन जाता है, लेकिन तकरीबन 10 मिनट से ऊपर हो चुका है वो, इसलिए भी और बोल सकते हैं क्योंकि मैं इसमें पास्ता डाल दिया हूँ, 10 मिनट से ऊपर हो चुका है, अभी तक बना नहीं है, सिर्फ बोलने के लिए 2 मिनट। ठीक है, बनता है, खाते हैं फिर। पास्ता और मैगी बनके तैयार है और मैं भी एकदम तैयार हूँ एकदम खाने के लिए। ठीक है, खाते हैं उसके बाद में मिलते हैं आप सभी से। ठीक है, और शरीर भी बहुत ही ज़्यादा जर्किंग, ऐसा सा माने इतना रास्ता ख़राब था, माने क्या ही बताओ भाई, कमर तोड़ के रख दिया इस ट्रक में भी बैठ गए फिर भी। ठीक है, कोई ना, खाते हैं। और मैं यहाँ से कारू से भी मैंने साइकिल चला के आया हूँ, यानी कि कारू से लेह 30-35 किलोमीटर के आसपास में है, और अभी लेह यहाँ से 9 किलोमीटर बचा है, तो समझ लीजिए कितना तकरीबन, और 10 किलोमीटर वहाँ से टांगसे से डुरबुक तक आया था, यानी कि 30-35 किलोमीटर आज साइकिल चलाया हूँ, बाकी गाड़ी में आया हूँ, और क्या ही बताऊँ, मज़ा आ गया आज कसम से। घर ये है, घर जाने से ज़्यादा खुशी ये है कि मैंने जो करने निकला था वो मैं पूरा कर लिया, क्या बताऊँ। ठीक है, बस आज बाबा का आशीर्वाद, आप सबका प्यार और सपोर्ट था, मेरा जो मेहनत है वो तो है ही, लेकिन पूरा हो गया आखिरकार। ठीक है, तो खाते हैं फिर मिलते हैं आप सभी से। ठीक है।